यूपी में होली का त्यौहार शांतिपूर्वक निपट गया। इसके पीछे पुलिस का खास योगदान रहा। इस बार आम लोगों ने होली 18 मार्च को मनाई। वहीं पुलिस कर्मियों ने उसके एक दिन बाद यानी 19 मार्च को होली खेली, जिसके चलते प्रदेश भर के थानों में पुलिस कर्मियों ने जमकर होली खेली। वर्दी में डांस के कई वीडियो भी सामने आए। वहीं लखनऊ के हजरतगंज थाने का पुलिस कर्मियों के डांस का वीडियो सामने आया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं महानगर पुलिस लाइन के पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर समेत कमिश्नर पुलिस के सभी अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में परिवार से दूर पुलिसकर्मी अपने सहकर्मियों के साथ रंग और मिठाई का आनंद लेते हुए डीजे पर जमकर थिरके। था मौजूद है पुलिस लाइन में हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर। सर, बहुत बहुत बधाई आपको होली की। सर, क्या आपको संदेश? मैं होली का कार्यक्रम जो आज अपने जवानों के साथ मिलकर के अधिकारियों के साथ मिलकर मनाया है, वो इसलिए मनाया है कि हम अपने जवानों का शुक्रिया अदा कर सकें कि उन्होंने जो अभी विधानसभा चुनाव की चुनौती थी, होली की चुनौती थी, उसको सकुशलतापूर्वक संपन्न कराया है। आगे हम लोग इसी तरह अलर्टनेस बनाए रखें और आगे भी कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराते रहें, यही संदेश है मेरा। सर, लखनऊ पुलिस के लिए कड़ी चुनौती थी, ये शबे बारात भी थी, होली का त्यौहार था, जुमे की नमाज भी थी, इस तरीके से कैसे देखा? इसको हम लोगों ने पहले से हमारी प्रिपरेशन थी, पहले स्ट्रेटजी बनाई थी, पहले से हमने पीस कमेटी मीटिंग की थी, अपने अधिकारियों की ब्रीफिंग की थी, अधिकारियों कहाँ कहाँ पॉइंट पर कहाँ कहाँ लगाना है, सारे कार्यक्रम किया था, उसके अनुसार ये सब कुछ संपन्न हो पाया। होली के बारे में लखनऊ वासियों को क्या संदेश देंगे? जैसे होली में इन्होंने शांति और सद्भाव का माहौल कायम किया है, आगे भी शांति सद्भाव माहौल बनाए रखें। धन्यवाद सर। जैसे कि आपने देखा, ये हमारे साथ लखनऊ डीके ठाकुर सर थे, कैमरा पर्सन जगदीश कुमार सर, लखनऊ।